अगर आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के अलावा और अन्य ग्रह, लोक और डायमेंशन में जीवन कैसा होता है, तो आप ये सब जान पाएंगे थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स चैप्टर 3 इन एनर्जी बीइंग में, जहां डोलोरेस कैनन अपने अगले क्लाइंट लुइस को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है। लुइस अपने जीवन में बहुत खोई खोई सी रहती थी, उसे सदा कुछ खोने का डर लगा रहता था और निरंतर अपने लोगों की खोज में लगी रहती थी, मानो कि वह इस दुनिया से ना हो। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के दौरान लुइस ने पाया कि वो हवा में बादलों से ऊपर है, वो सब कुछ महसूस कर पा रही है, लेकिन किसी तरह से उसका कोई शरीर नहीं है, यानी वो एक नॉन फिजिकल स्टेट में थी। लुइस ने बताया कि उसने बड़ी बड़ी चोटियां और क्रिस्टल जैसी संरचनाओं को देखा। अब लुइस ने कुछ बादलों जैसे एक जीवित प्राणी देखे जो हवा में हिलते, तैरते और आकृतियां बदल रहे थे, जिन्हें देखने पर उसे एहसास हुआ कि ये बड़ी सिंपल लाइफ फॉर्म है और वो उनसे बड़ी अलग है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और वो समझ गई कि वो पृथ्वी पर एक मिशन पर आई थी। अब वो घर लौटते समय ये स्थान जहाँ पर उसने आकृतियां देखी ये बादलों जैसी, वो एक रेस्टिंग प्लेस है। उन्होंने विश्राम स्थल की सादगी और शांति का आनंद लेते हुए कुछ समय के लिए नॉन फिजिकल स्टेट में होने की स्थिति का अनुभव किया। लुइस ने सम्मान के दौरान माना कि वह पृथ्वी पर पहली बार थी और इसकी सुंदरता से काफी मंत्रमुग्ध थी, लेकिन वह अपने घर भी लौटना चाहती थी। अब लुइस अपने घर का विवरण करते बताती कि वह एक ऐसे आकाश गंगा में है जहाँ कुछ भी कठोरता या कटुता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक ज्ञान और प्रेम से भरी जगह है। तो लुइस ने अपने घर को नीले, हरे और सुनहरे रंग की कई वस्तुओं के साथ सुंदर, चमकदार बताया। उसके घर में सब कुछ सॉलिड था लेकिन पेनेट्रेबल भी था। अपने घर को पर वो कुछ भी क्रिएट कर सकती थी, उसके लिए लाइट को मोल्ड करके कुछ भी बना सकती थी, जो उसने पृथ्वी पर अपने जीवन काल के दौरान देखा था। लुइस ने माना कि अन्य ग्रहों में से जो कुछ वो देखती और समझती थी, उसको वो अपने ग्रह पर क्रिएट कर सकती थी। पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी उत्पत्ति को भूल जाते हैं, जिससे जीवन काफी कठिन हो जाता है, जिसके कारण वो एक कर्म बंधन में फंस जाते हैं, जबकि कुछ बहुत थोड़े से लोग अन्य लोग याद रखते और अपने अनुभव को आसान बना लेते हैं। अब लुइस की पृथ्वी की यात्रा स्वैच्छिक थी, यानी अपनी मर्जी से थी। वह जानती थी कि यह उसका एक अंतिम अवतार होगा। उसका पृथ्वी पर यह पहला जन्म था और वो यहाँ तब आई थी जब उससे ब्रह्मांड में मौजूद एक काउंसिल ने पृथ्वी की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को उठाने के लिए मदद मांगी गई थी। यानी यह एक ऐसा मिशन है जहाँ अर्थ को पैराडाइज बनाना है, जिसमें कर्म चक्र में फंसे लोगों की मदद करनी थी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर 4 द ऑब्जर्वर बिकम्स फिजिकल लेके